खबर रिवर्स है जहां बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मण बाग मोड़ में एक अपराधी किस्म के युवक ने दो युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आनंद फानंद में घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में आंसू और सुधांशु वर्मा बताए जाते हैं, जबकि चाकू मारने वाला ठुल्ले उर्फ शूटर है। बताया जाता है कि आरोपी पहले भी मारने की धमकी दिया था। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे दोनों युवक बिछिया पुल के पास से लक्ष्मण बाग की तरफ जा रहे थे, तभी आरोपी ने चाकू घोंप दिया। फिलहाल आरोपी फरार है, वहीं घायलों को उपचार चल रहा है। आइए सुनते हैं घायलों के परिजनों ने क्या जानकारी दी है। किसको चाकू लगा? आंसू को, आंसू वर्मा, सुदान वर्मा। मारने वाला कौन है? फुल्ले उर्फ शूटर, उर्फ शूटर है। क्या कारण था? कारण ये था, पुरानी रंजीती से मार दिए, यही पुराना झगड़ा था पहले से। हाँ, कहाँ पर घटना हुई? ये हुई है ये बिछिया में पुल के पास। कितने बजे घटना? लक्ष्मण बाग मोड़, बस अभी आए 1-1.5 घंटे पहले। घायल घायल कौन है? क्या बोल? ओ भैया घायल है, और सुधांशु। किसको किसको चोट लगी? सुधांशु वर्मा को, आंसू वर्मा को। किसने मारा है? ये छुल्ले शूटर। किस वजह से? ये पहले चोरी किया था मेरे घर में, बिछिया नेशनल बाग में चोरी किया था। वह बोला था हम सबको मारेगा, अपने मोहल्ले में कितने बारी आते हैं सबको मारेगा। हमको भी धमकी दिया था मानने को। अभी ये 3 महीने की बात है, 3 महीने की बात है। हाँ, ये घटना है 9 बजे, घटना है 9 बजे, 9:08 की घटना है। हम काम में आते थे तो हमको फोन आया, तुम्हारे भाई को चक्कू मार दिए। घटना कहाँ करती है? ये बिछिया नेशनल बाग के पास। कितने लोग हैं? 2 लोग। हाँ, 2 जन को मारे।